असलकम मोहतरम खातिन पाकिस्तान आर्मी ने एफ एन एस यानी कि आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस में भर्ती का इतियार दे दिया है जिसमें वो तमाम खुवान जिन्होंने एफ एस सी प्री मेडिकल की हुई है या जिन्होंने जो है नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है बी एस सी नर्सिंग वगैरह की हुई है तो वो जो है वो खुवात पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो सकती हैं एज अ लेफ्टीनेंट और जो है एज़ ए बी एस सी नर्सिंग तो मैं इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एज कितनी होनी चाहिए टेस्ट किस टाइप का होगा टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है टेस्ट कहाँ पर देने जाना पड़ेगा तो ये सारी मालूम जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के एडमिशन जॉब जॉब की टेस्ट की तैयारी एंट्री टेस्ट स्कॉलरशिप वगैरह के बारे में आपको मुकम्मल मलूम बताते हैं अभी मैं जो है सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ के जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन कौन कौन से जो है एहलीत का मैार क्या है तो इसमें जो है दो तरह के कमीशन हैं एक है ए एफ एन एस बी एस सी नर्सिंग और एक है ट्रेंड नर्स एज अ लेफ्टिनेंट यानी कि जिन लोगों ने अभी जो है एफ एस सी प्री मेडिकल की है तो वो आर्मी में जो है बी एस सी नर्सिंग कोर्स करेंगे उनको कोर्स भी जो है फ्री में करवाया जाएगा साथ उनको पे भी मिलेगी और उसके बाद उनको जो है लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा चार साल के बाद और जिन लोगों ने जो है जिन खातन ने पहले ही डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग का बी एस सी

आपकी उम्र जो है कम अज कम सतारह साल से ज्यादा हो और पच्चीस साल से जो है वो कम हो इकतीस दिसंबर दो हजार बीस तक इसी तरह जो है ट्रेंड नर्स की बात करें यानी कि जिन लोगों ने बी एस सी नर्सिंग की हुई है तो उनके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसका जो है नर्सिंग नर्सिंग डिप्लोमा एंड मिडवाइफरी होनी चाहिए बी एस सी जनरल नर्सिंग और पोस्ट बी एस सी नर्सिंग पोस्ट आर एंड बी एस सी नर्सिंग ये जब उनकी डिग्रीज होंगी तो वो फिर इसके लिए अप्लाई कर पाएंगी उनकी उम्र जो है वो होनी चाहिए कम अज कम जो है अठारह साल और ज्यादा से ज्यादा अट्ठाईस साल तीस नवंबर दो हजार बीस तक उसके बाद जो है जिन लोगों ने बी एस सी नर्सिंग के लिए करना है अगर उन लोगों ने जो है अभी सेकेंड ईयर का उनका रिजल्ट नहीं आया तो वो फर्स्ट ईयर की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं बशर्त यह कि फर्स्ट ईयर में फिफ्टी परसेंट मार्क्स हों और उन्होंने अपने कॉलेज से एक होप्स लेटर बनवाना होगा कि सेकेंड ईयर में भी हमारे सिक्सटी परसेंट से अबाव मार्क्स आएंगे उसके बाद जो ट्रेन नर्स हैं तो उनको जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए उसको उसके बाद जो है अगर हम मेरिटल स्टेटस की बात करें तो जो है बी एस सी नर्सिंग के लिए अनमेरिड खातानी अप्लाई कर सकती हैं जबकि ट्रेन नर्स के लिए मेरिड और अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकती हैं नेशनलिटी की बात करें तो पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की खातन अप्लाई कर सकती हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मिनिमम जो हाइट है यानी कि जो आपका कद है वो पांच फुट होना चाहिए पांच फुट से काम वाली खातन अप्लाई नहीं कर सकती वेट जो है वो आपका बी एम आई जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो उसके मुताबिक होना चाहिए इन एलिजिबिलिटी कंडीशन जो हैं, तो यहाँ पे लिखी हुई हैं ये जो है तकरीबन हर बंदे को पता होता है जिन लोगों ने पहले अप्लाई नहीं किया तो वो तो तकरीबन एलिजिबल ही हैं। तो इसमें है कि जो दो बार जो है जनरल हेड क्वार्टर से जो है रिजेक्ट हो चुका हो जो जो है अपील मेडिकल बोर्ड से भी जो है मेडिकली अनफिट हो चुका हो तो ये वो वाले लोग हैं या फिर जो जो है गवर्नमेंट सर्विस से जो है रिमूव हो चुकी हो यानी कि उनको निकाला जा चुका हो किसी सरकारी नौकरी से तो ये वाली इन इन एलिजिबिलिटी कंडीशन है ये जहाँ आप, आप जो है स्क्रीन से देख सकते हैं उसके बाद जो है आ, आ, अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें और जो आपकी इनिशियल सिलेक्शन है उसकी बात करें तो आप रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे रजिस्ट्रेशन दो तरीकों से हो सकती है एक इंटरनेट पे और एक आपको आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स पे जाना पड़ेगा तो सबसे इजी तरीका अब जो है वो इंटरनेट के जरिए है आपको क्या करना पड़ेगा ये सामने वेबसाइट नजर आ रही है जॉइन पाक आर्मी डॉट जी ओ वी डॉट पी के इस वेबसाइट पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी इस वेबसाइट पे आप जाएं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वो अप्लाई करने का लिंक भी वहां पे है तो उस पर आप क्लिक करेंगे अगर आपको अप्लाई करने में कहीं पे मसला हो तो आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको जो आपका मसला जो है वो रिमूव कर दूंगा उसके बाद जो है अगर आप जो है आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर पे करवाना चाहते हैं तो फिर आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जो है अपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना पड़ेगा जितने भी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर हैं उनकी भी अभी मैं जो है बताने वाला हूँ कि किस किस सिटीज में है वो वीडियो के एंड पे बता दूंगा आपको उसके बाद जब आप अप्लाई कर लेंगे अप्लाई करने के बाद जो है आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी ठीक हो गया मतलब आप जब अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के दो तीन दिन बाद आपको सी वेबसाइट से जो है दोबारा से जो है वो इनिशियल टेस्ट की रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी तो फिर जो आपके उसमें जो है रिटर्न टेस्ट होगा उसमें इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा और आपका जो है डिग्री एफ वाली या बी नर्सिंग उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो ये जो है आपकी सतारह अगस्त से लेके 16 सितंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद जो है आपको रोल नंबर स्लिप वगैरह जो है वो वहाँ पे टाइम वगैरह बता दिया जाएगा ठीक हो गया तो इसकी जो है लास्ट डेट अप्लाई करने की वो मतलब कि हो गई सोलह सितम्बर ठीक हो गया उसके बाद जो है आ, आपका जो है टेस्ट उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा इनिशियल मेडिकल टेस्ट यानी कि आप जो रिटर्न टेस्ट क्लियर करेंगे कंप्यूटराइज़ टेस्ट होगा तो उसके बाद फिर आप लोगों का जो है इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा जो इनिशियल मेडिकल टेस्ट जो है वो कर लेंगे तो उन, उनको फिर जो है इंटरव्यूज होंगे ठीक है इंटरव्यूज जो आपके होंगे वो होंगे जो जनरल हेड क्वार्टर है सिलेक्शन बोर्ड का रावलपिंडी पिशावर लाहौर मुल्तान कराची कोयटा में तो यहाँ पे आपके जो है इंटरव्यूज होंगे जिन लोगों के जो है इंटरव्यूज वगैरह क्लियर हो जाएंगे और फाइनल जो है सिलेक्शन वो होगी जनरल हेड क्वार्टर में और फिर वो आप आप लोगों को जो है कॉल वगैरह आ जाएगी जो लोग फाइनल सेलेक्ट होंगे उसके बाद जो ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो जिन लोगों ने बी नर्सिंग करनी है मतलब जो एफ के बाद कर रही हैं तो उनकी जो है उनको चार साल जो है जो चार साल ए एफ पी जी एम आई रावलपिंडी या सी एम एच लाहौर सी एम एच खारिया सीएमएच मुल्तान सीएमएच क्वेटा या पी एन एस शिफा कराची में जो है वो चार साल की बी एस सी नर्सिंग कोर्स करवाया जाएगा ट्रेनिंग के साथ साथ और उसके बाद जो ट्रेन नर्सेज हैं तो उनको जो है छह हफ्तों का जो है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाएगी ए एफ पी जी एम आई रावलपिंडी और सीएमएच खारिया में ठीक हो गया उसके बाद जो है जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग तो उसके बाद आपको जो है लेफ्टिनेंट का रैंक मिल जाएगा उसके बाद जो है कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे या जो लोग अप्लाई नहीं करेंगे नेट पे और वो आर्मी सिलेक्शन सेंटर्स पे अप्लाई करेंगे तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स डिटेल मार्क्सिट जो है अटेस्टेड फोटो वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं और आपके जो है तीन कलर्ड फोटोज चाहिए आपके टेस्ट फोटो मिसाइल चाहिए तो ये आपका जो है कम्प्यूटराइज नेशनल कार्ड जो है आपका शनाख्ती कार्ड उसकी फोटो कापी चाहिए ये सारा लिखा हुआ है उसके बाद आपको जो है एक बाउंड साइन करना पड़ेगा पाकिस्तान आर्मी के साथ आपके जब आप जो है पाकिस्तान आर्मी से जो है बी एस सी नर्सिंग कर लेंगे चार साल तो उसके बाद आप कम अज कम जो है पाकिस्तान आर्मी को दस साल के लिए सर्व करेंगे ऐसा नहीं होगा कि आर्मी आप पे खर्चा भी करे चार साल आपको जो है बी एस सी नर्सिंग भी करवाए उसके बाद आप आर्मी को छोड़ दें अगर कोई आपको अच्छी जॉब मिले तो बल्कि नहीं आपको जो है दस साल की जो है लाजमी पाकिस्तान आर्मी में सर्व करना पड़ेगा ठीक हो गया उसके बाद जो है आ, बाकी जो है मलूमत वो jointpakarmy.gov.pk पाक आर्मी डॉट जी वी डॉट पी के भी मौजूद हैं अगर और कोई क्वेरीज हैं तो वो आप जो है वेब एट द रेट पाक आर्मी डॉट जी वी डॉट पी के इस पर भी कर सकते हैं आप वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें वहां पर भी मैं बता दूंगा आर्मी के जो हैं रिक्रटमेंट सेंटर है, जो आपका टेस्ट कहाँ पे होगा या वैसे जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको आर्मी के सिलेक्शन और बताऊंगा तो वह है पिशावर रावलपिंडी मुजफ्फराबाद फैसलाबाद लाहौर मुल्तान डेरा समइल खान पनवाके हैदराबाद कराची खुजदार कोटा और गिलगित तो इनमें से जो भी करीब आपके जो है सेंटर है तो वहां पे आपका टेस्ट होगा वहां पे आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन तो आप नेट के जरिये करवा दे फिर आपका करीब तरीन ये सेंटर जो है ये वाले सेंटर है तो इनमें से आपका जो करीब तरीन सिटी है वो वाला आप आपने रखना है कोई और मल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं शुक्रिया